Hello, welcome back students. So today I am going to explain you the question answers and reference to context of Henry the Chameleon. Henry किसका नाम है? Chameleon का, यानी गिरकिट का. गिरकिट जो है वो एक reptile है और वो अपने जो रंग है वो बदलता है. Henry the Chameleon by Ruskin Bond. So let's get started. Answer the following questions. Question number 1. Who was Henry? Henry कौन था? Answer: Henry was the author's pet chameleon. Henry जो था वो author का pet था, जिसे हम अपने घर पर रखते हैं पालतू जानवर. Second question: How are chameleons different from other reptiles? जो chameleons हैं वो बाकी reptiles से अलग कैसे हैं? Reptiles क्या होते हैं? वो animals जो ज़मीन पर सिरक के चलते हैं. Answer: A chameleon's tongue is as long as its body. जो chameleon होता है उसकी जो जीभ है वो उसकी बॉडी से लंबी होती है. Second, chameleons can change their color. Chameleons जो हैं वो अपना रंग बदल सकते हैं. Chameleons are harmless. Chameleons जो हैं वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. Its fingers and toes are more developed than other reptiles. जो chameleon है उसकी पाँव की उंगलियाँ और हाथों की उंगलियाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं बाकी रेप्टाइल से. बाकी रेप्टाइल लाइक लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी? तब क्या हुआ जब ऑथर ने हेनरी को गुदगुदाया? टिकल्ड क्या होता है? गुदगुदाना. आंसर: व्हेन द ऑथर टिकल्ड हेनरी ही वुड बिकम वेरी एंग्री. जब ऑथर ने हेनरी को गुदगुदाया तो वो बहुत गुस्से में आ गया. क्वेश्चन 4. व्हाई डिड द ऑथर कॉल हेनरी नॉन वायलेंट? ऑथर ने हेनरी को नॉन वायलेंट यानी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है ऐसा क्यों कहा है? द ऑथर कॉल्ड हेनरी नॉन वायलेंट बिकॉज ही डिड नॉट बाइट और हर्ट एनीवन. ऑथर ने हेनरी को नॉन वायलेंट हार्मलेस इसलिए कहा है क्योंकि वो कभी भी किसी को काटता नहीं है ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड हेनरी केम टू स्टे विद ग्रैंडफादर? हेनरी दादाजी के साथ रहने कैसे आया? आंसर: वंस व्हेन द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज विजिटिंग अ फ्रेंड इन द कंट्री साइड ही हियर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज इन द गार्डन. ही सॉ अ लॉट ऑफ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट अ कैमिलियन. द ऑथर्स ग्रैंडफादर मैनेज टू सेव द कैमिलियन एंड ब्रॉट हिम होम. एक बार नरेटर के दादाजी अपने फ्रेंड के घर जा रहे थे. उन्होंने एक गार्डन में बहुत सी आवाज़ें सुनी और उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और पत्थर और स्टिक्स जो हैं वो कैमिलियन यानी गिरगिट पे मार रहे हैं. ऑथर के ग्रैंडफादर ने कैमिलियन को बचाया और अपने साथ उसे अपने घर ले आए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हैपेंड व्हेन हेनरी वेंट टू द नर्सरी स्कूल? तब क्या हुआ जब हेनरी जो कैमिलियन है वो नर्सरी स्कूल गया? When Henry went to the nursery school in a basket, the principal started screaming and so did the children in the school. Henry got scared and fled from the school. जब Henry nursery school पहुंचा basket में तो जो principal है वो चिल्लाने start हो गए. Screaming होता है चिल्लाना और जो बच्चे हैं वो भी. Scared होता है डरना. Henry जो है वो डर गया और fled होता है भागना और school से भाग गया. जब हेनरी ने सबको चिल्लाता हुआ पाया तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया. सो नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट, बट हेनरी वॉज मोर रिमार्केबल देन एनी अदर कैमिलियन. यू मे हैव सीन दिस वॉज बिकॉज ऑफ हिज यूनिक आइज. जो हेनरी है उसे याद किया जाता है बाकी कैमिलियन से ज़्यादा. क्या आपने देखा है कि हेनरी को अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ही यूनिक हैं. ए, हाउ वॉज हेनरी डिफरेंट? हेनरी जो है वो अलग कैसे है? आंसर: हेनरी हैड ह्यूज आइज विच वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हेनरी की बड़ी बड़ी आँखें हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. उसकी एक आँख कहीं देखती है और दूसरी कहीं देखती है. बी, वाई वर हिज आइज यूनिक? उसकी आँखें यूनिक कैसे हैं, क्यों हैं? आंसर: हिज आइज वर यूनिक एज दे वर ह्यूज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. He could move one eye without disturbing the other. जो हेनरी है उसकी यूनिक आइज़ हैं
जो बहुत बड़ी बड़ी और इंडिपेंडेंट है, और वो अपनी एक आंख को हिला सकता है बिना दूसरी आंख को हिलाए। सी वॉट डिड ही डू वेन ही वॉन्टेड टू सी समवन, तब उसने क्या किया जब वो किसी को देखना चाहता था। वेन ही वॉन्टेड टू सी समवन हैनरी वुड मूव ओनली वन आई विद डिस्टर्बिंग द अदर बिकॉज रेप्टाइल्स डू नॉट हैव बाइनोक्यूलर विजन, दे कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज। जब वो किसी को देखना चाहता था तो उसने सिर्फ अपनी एक आंख हिलाई बिना दूसरी को डिस्टर्ब किए, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं, सिरकने वाले एनिमल्स हैं, वो सिर्फ एक आंख से देख पाते हैं, क्योंकि जो उनकी विजन है, देखने की क्षमता है, वो बाइनोक्यूलर नहीं होती। बाइनोक्यूलर विजन ह्यूमंस की होती है। दे कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज, वो दोनों आंखों से चीज़ों को नहीं देख सकते। सेकेंड रेफरेंस, अ लॉट ऑफ पीपल वर बर्लिंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट अ कैमिलियन हु आर सिटिंग ऑन अ श्रब। बहुत सारे लोग पत्थर और स्टिक्स मार रहे थे कैमिलियन के ऊपर, और उस श्रब के ऊपर कौन बैठा था? एक क्वेश्चन, हु वॉज दिस कैमिलियन, ये कैमिलियन कौन था? आंसर, द कैमिलियन वॉज हैनरी, जो कैमिलियन था वो हैनरी था। बी वाई वर पीपल हर्लिंग स्टोन्स एट हिम, लोग कैमिलियन पे स्टोन्स क्यों फेंक रहे थे? आंसर, पीपल वर हर्लिंग स्टोन्स एट हिम बिकॉज द गार्डनर हैड सेड दैट इट कुड पॉइजन द एंटायर गार्डन एंड एवरीवन विद अ 20 feet radius। लोग उस पे पत्थर इसलिए फेंक रहे थे क्योंकि जो गार्डनर था उस गार्डन का, उसने कहा कि ये हर चीज़ को जहरीला कर देगा और इस गार्डन से दूर तक 20 meters तक जो भी जगह हैं वो भी जहरीली हो जाएंगी। सी क्वेश्चन, हु सेव्ड हिम, वॉट डिड ही डू विद द कैमिलियन, किसने उसको बचाया और उसने कैमिलियन के साथ क्या किया? द ऑथर्स grandfather saved him, ऑथर के grandfather ने कैमिलियन को बचाया। ही brought द कैमिलियन होम विद हिम, और उन्होंने कैमिलियन को अपने साथ घर ला दिया। रेफरेंस थर्ड, मिसिस गोश टोल्ड grandmother अबाउट द होल इंसिडेंट, मिसिस गोश ने grandmother दादी को सारे किस्से के बारे में बताया। ए हु वॉज मिसिस गोश, मिसिस गोश कौन थी? मिसिस गोश वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अ नर्सरी स्कूल एंड अ फ्रेंड ऑफ द ऑथर्स grandfather। जो मिसिस गोश थी वो प्रिंसिपल थी नर्सरी स्कूल की और फ्रेंड थी ऑथर्स के grandfather की। बी क्वेश्चन, वॉट वॉज द इंसिडेंट शी स्पोक अबाउट, वो क्या हादसा हुआ था जिसकी वो बात कर रहे थे? मिसिस गोश स्पोक अबाउट द हैवॉक हैनरी हैड क्रिएटेड इन द स्कूल स्केयरिंग एवरीवन। मिसिस गोश उस इंसिडेंट की बात कर रहे थे जो हैनरी ने स्कूल में क्रिएट किया था और सबको डरा दिया था। सी वॉट डिड द ऑथर थिंक आफ्टर द इंसिडेंट हैपन, ऑथर ने क्या सोचा जब वो हादसा हो गया? आफ्टर द इंसिडेंट द ऑथर थॉट दैट ही वुड नेवर सी हैनरी अगेन, उस हादसे के बाद हैनरी स्कूल से भाग गया था तो ऑथर को लगा कि वो हैनरी को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। आपको पता है हैनरी स्कूल कैसे पहुंचा था? ऑथर की ग्रैंडमदर पपाया बास्केट में डालकर स्कूल में भेजा करती थी नर्सरी स्कूल में अपनी फ्रेंड को मिसिस गोश को, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, और जो हैनरी है वो उसी बास्केट में बैठा था और गलती से स्कूल तक पहुंच गया। तब बच्चों और मिसिस गोश ने जब उसको देखा तो सब चिल्लाने लगे और हैनरी जो है वो स्कूल की खिड़की से भाग गया। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। For videos related to your book and topics, please check the playlist of English class 4th. Thank you.